हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू असाइनमेंट ऑफ हिंदी सब्जेक्ट एंड सेकंड रिवीजन ऑफ सेकंड यूनिट टेस्ट। हिंदी का है जो मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। क्वेश्चन वन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर एक, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? नंबर एक है, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? ए माता, बी पिता, सी भ्राता एंड डी दाता। किस रूप में संबोधित किया गया है? दाता। तो काव्य में ईश्वर को दाता के रूप में संबोधित किया गया है। इसका क्रम अक्षर हम यहाँ लिखेंगे डी। दो नंबर में है, कवि किसकी रोशनी मांगता है? ए दीपक, बी बिजली, सी ज्ञान और डी है विज्ञान। तो क्या है, कवि किसकी रोशनी मांगता है? कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है। इसका क्रम अक्षर है सी, यहाँ लिखेंगे सी। नंबर तीन, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? ए पड़ोसी के, बी खुद के, सी बच्चों के, डी धन के। यहाँ लिखेंगे हम दुश्मनी से हमें किसका खो जाने का डर है, तो खुद के खो जाने का डर है। इसका क्रम अक्षर बी यहाँ लिखेंगे। नंबर चार, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? ए जिंदगी, बी धरती, सी सांस, डी आशा। राइट आंसर इज बी धरती। जाने कैसे ये धरती थमी है। नंबर एक, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? नंबर एक में है, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? ए पकड़ा पकड़ी, बी आंख मिचौनी, सी टेनिस, डी खो खो। तो क्या, कौन सा खेल खेल रहा था नेपोलियन अपनी बहन के साथ? आंख मिचौनी। तो नेपोलियन अपनी बहन के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था। इसका क्रम अक्षर है बी, हम यहाँ लिखेंगे बी। दो नंबर है, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? ए दो सिक्के, बी तीन सिक्के, सी चार सिक्के, डी पांच सिक्के। नेपोलियन ने लड़की को तीन सिक्के दिए। इसका क्रम अक्षर बी है, हम यहाँ लिखेंगे बी। नंबर तीन, नेपोलियन कैसा इंसान था? ए निडर, बी दिलदार, सी बहादुर, डी अनूठा। नेपोलियन अनूठा इंसान था। नंबर चार, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? ए हस्ताक्षरों की, बी आवेदन पत्रों की, सी मान पत्रों की, डी
आभूषणों की। हमारा जो है सही जो विकल्प है वो है मान पत्रों की। तो कौमुदी के पिता मान पत्रों की नीलामी करा रहे थे। नंबर एक, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। ए है गांव, बी मकान, सी घर, डी ससुराल। इसका जो सही विकल्प है वो है सी घर। मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। इसका जो है जो अक्षर क्रम अक्षर है वो है सी है, हम यहाँ लिखेंगे सी। नंबर दो, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा। नंबर दो, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा। ए कील का, बी खोपड़ी का, सी पत्थर का, डी हाथ का। तो एक आदमी ने सोनू से खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा। इसका जो क्रम अक्षर है वो है बी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। क्वेश्चन नंबर वन का ब है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो है काउंस में जो दिया कोष्टक में क्या दिया हुआ है, जेवरों, अमरूद, बड़गरा, कौमुदी, सत्यवादी, दृढ़, देश प्रेम, टोकरी। नंबर एक में है, नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ ब्रैकेट में से जो है कोष्ठक में से यहाँ लिखा हुआ है सत्यवादी। नंबर दो है, लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। लड़की क्या आएगा यहाँ पर, अमरूद, अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नंबर तीन, नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एक टोकरी, तो यहाँ से देख के लिखेंगे कि जब उसे टकराया नेपोलियन लड़की से तो उसकी जो थी अमरूद की टोकरी नीचे गिर गई। नंबर तीन, नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नंबर फोर, नंबर चार, बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। दृढ़ भी देख के यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है कोष्ठक में, तो यहाँ लिखा हुआ है दृढ़। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। नंबर पांच, वहाँ बड़गरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। क्या लिखा हुआ है, वहाँ बड़गरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। नंबर छह, गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। सात, गांधी जी ने कौमुदी से कहा। गांधी जी ने कौमुदी से कहा। नंबर आठ है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। कोष्ठक में पत्थर, ग्यारह, किराया और डेढ़। नंबर एक, तुम मुझे किराया
क्यों नहीं देते? तुम मुझे यहाँ से क्या लेंगे? किराया क्यों नहीं देते? नंबर दो, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। यहाँ लिखेंगे पत्थर। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। नंबर तीन, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। नंबर तीन, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। नंबर चार, रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। नंबर चार, रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर एक है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख मिलता है। हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख मिलता है। नंबर दो, आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छे होंगे और शांति मिल सकती है। नंबर तीन, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी जिंदगी दे वह भली हो। नंबर चार, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में क्या है? किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। नंबर छह, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। क्वेश्चन है, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। नंबर सात, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना है। नंबर आठ, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। नंबर एक, नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। नंबर दो, अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? अमरूदों के कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। अमरूद के कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे।
नंबर तीन, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था। चार नंबर, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। पांच, बडगरा गांव किस राज्य में है? बडगरा गांव केरल राज्य में है। नंबर छह, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बुंदे दिए। नंबर सात, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। नंबर आठ, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नंबर नौ, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? लड़की के अमरूद खराब हो जाने से नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था। नंबर दस, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। नंबर ग्यारह, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। बारह नंबर है, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। नंबर एक, किरायेदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किरायेदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किरायेदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उसे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। किरायेदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किरायेदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। नंबर दो, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठी क्यों थी? रात को 1:30 बजे तक
पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी, क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। क्वेश्चन 3 का है, वह उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। एक है मेंढक, तो लिखेंगे मेंढक है तो आप उसका लिंग बदलेंगे मेंढकी। 2 नंबर तरुण तरुणी। 3 नंबर कुमार कुमारी। 4 नंबर देव देवी। 5 नंबर हिरण हिरनी। उदाहरण सांप सांपिन, कुम्हार कुम्हारिन, नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन। उदाहरण मोर मोरनी, शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी। 3 नंबर है मास्टर मास्टरनी। 4 नंबर डॉक्टर डॉक्टरनी। 5 नंबर ऊंट ऊंटनी। क्वेश्चन 3 का सी का है, सी बोले का बोलो, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 अकल बड़ी या भैंस, शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल, जो अकल है वो बड़ी होती है। अकल बड़ी, अकल बड़ी या भैंस, तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा क्या है, अकल बड़ी होती है। वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य शिक्षक ने विद्यार्थी से प्रश्न किया कि अकल बड़ी के भैंस। नंबर 2 आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। वाक्य है एक किसान आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक किसान आसमान से गिरा खजूर में अटका। नंबर 3 आए थे हरी भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरी भजन को ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में जाना। वाक्य मोहन आए थे हरी भजन को ओटन लगे कपास। मोहन आए थे हरी भजन को ओटन लगे कपास। नंबर 4 जो गरजते हैं वो परसते नहीं। जो डिंगे मारते हैं वे, जो डिंगे मारते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे काम नहीं कर सकते। वाक्य है नेता, जो नेता लोग हैं क्या होते हैं, फक्त वो लोग क्या करते हैं, गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते हैं, यानी बड़ी बड़ी बातें करने का दावा करते हैं लेकिन वो काम करते नहीं हैं। तो यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेता लोग फक्त गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते हैं। 5 नंबर जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। वाक्य मेरी बहन ने मुझसे लड़ाई करते हुए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए।
एक नंबर है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। अब दादाजी का हम लिंग बदलेंगे तो दादी जी होगा, मेरी यहाँ पर आएगा, मेरे दादा दादी जी नहीं आएगा पर क्या होगा, मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। कहाँ गई हैं? यात्रा पर गई हैं। दादाजी का क्या करेंगे? दादी जी का लिंग बदलेंगे तो दादी जी। नंबर दो है एक आदमी ने मुझसे कहा, तो क्या होगा, आदमी की जगह हम औरत लेंगे, एक औरत ने मुझसे कहा। नंबर तीन लेखक कहानी लिख रहा है, लेखक कहानी लिख रहा है, तो लेखक का क्या होगा, क्या होगा लेखिका, क्या होगा लेखिका, कहानी क्या है, कहानी लिख रही है, लेखिका कहानी लिख रही है। नंबर चार मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो यहाँ लिखेंगे मेरे मालिक का स्वभाव, क्या लिखेंगे, मालिक का स्वभाव, मेरे यहाँ पर क्या होगा, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। नंबर पांच बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, अब मोर है तो इसकी होगी मोरनी बनेगी, तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी, क्या है, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। नंबर छह जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। नंबर सात सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठ का बनेगा सेठनी, सेठनी दुकान में बैठी हैं। नंबर आठ अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो होगा अध्यापिका पढ़ रही हैं, अध्यापिका पढ़ रही हैं। नंबर नौ पंडित रामायण सुनाने लगे, यह बनेगा पंडिताइन, यह क्या होगा, यहाँ पंडिताइन रामायण सुनाने लगी, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। नंबर दस लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है।